Hey guys and welcome back to Empire। तो कैप्टन मार्वल की स्टोरी में अब तक आपने देखा लोरियल का मानना है कि वो मासूम है, इसलिए सच्चाई का पता लगाने की खातिर कैरोल लोरियल को कुछ टाइम के लिए अर्थ पे ले आई, लेकिन ये हैमर सच्चाई को पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा, इसलिए कैरोल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कैरोल, तुम्हें पता है ना कि यहाँ एक वोट चल रही है। कैरोल ने कहा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तो ठीक है, हाँ मुझे इस हथियार का अच्छे तरीके से पता है, क्री यूनिवर्सल वेपन। कैरोल ने कहा, तो क्या जो मैं चाहती हूँ वो हो सकता है? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? कैरोल ने कहा, मैं इस हैमर के ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकती, इसके अंदर एक अजीब सा भारीपन है, मतलब इसका वेट भारी नहीं है लेकिन भारीपन है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मुझे इसका अपने ऊपर प्रभाव महसूस हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। मुझे लगा कि मेरे साथ अगर मेरे यकीन वाले दोस्त होंगे तो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, मुझे नहीं लगता कि क्री इस बात से सहमत होंगे, अगर हम सफल हो जाते हैं तो चीजें बढ़ सकती हैं, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? कैरोल हाँ में जवाब देती है और फिर अपने बाकी साथियों से पूछती है, क्या तुम इस प्लान में मेरे साथ हो? गई जी थे रोडी, हैजमेट और स्पाइडर वुमन। और हैजमेट को आपने स्पाइडरमैन, डेडपुल या फिर डेडपुल के किसी एपिसोड में देखा होगा। इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, स्पाइडर वुमन कहती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हारे ये सांप तो बड़े हरामी हैं, लेकिन गाइस हैजमेट को पसंद है। कैरोल पूछती है, क्या तुम लोग आखिर में कुछ कहना चाहोगे? उन लोगों ने कहा, तुम इस तरीके से क्यों बोल रही हो? क्यों आखिर में कुछ कहना चाहोगे? ऐसे कह रही हो जैसे हम सुसाइड मिशन पे जा रही हैं। तो कैरोल कुछ मोटिवेशन बोलती है और कहती है, हो गया तुम्हारा, अब चलो चले। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस हैमर के ऊपर अपनी स्पेल कास्ट करता है, जिसे स्पाइडर वुमन, रोडिम और हैजमेट तीनों के पास हैमर की कुछ पावर्स और एक वर्चुअल हैमर आ जाता है। यानी कि कैप्टन मार्वल ने अपनी हैमर की पावर इन तीनों के साथ शेयर की है और वह एक गुत्थी को सुलझाने के लिए निकल पड़े। न्यूयॉर्क शहर, कैप्टन मार्वल का अपार्टमेंट। हैजमेट लोरियल से कह रही है, तो तुम उसकी हाफ सिस्टर हो, बहुत बड़ी भी हो, लेकिन तुम उसकी, मतलब तुम्हारी मॉम से कभी नहीं मिली? लोरियल कहती है, नहीं, मुझे एक लैब में बनाया गया था ताकि मैं बड़ी होकर एक सोल्जर बन सकूं। हैजमेट ने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मतलब जब तुम एक सोल्जर का काम नहीं करती तो क्या करती हो? लोरियल ने कहा, मुझे फूल पसंद है। जबकि स्पाइडर वुमन को लोरियल के मोटे मोटे हाथ बड़े पसंद आ रहे हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल लोरियल को इन तीनों से दूर खींच ले गई। अंदर लोरियल फ्रिज के ऊपर लगी हुई एक बच्चे की कैरोल के साथ पिक्चर को देखकर पूछती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये सुनकर कैरोल चौंक गई। लोरियल ने कहा, क्या ये छोटी बच्ची जिसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम्हारी बच्ची नहीं है? कैरोल हंसती है, ये किट है, मेरी फ्रेंड मरीना की बेटी, हम इसे कैप्टन मुसीबत बुलाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये काफी क्यूट है लेकिन कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर देती है। ये लो एक डिवाइस, इसे सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज करना। लोरियल ने पूछा, इमरजेंसी का मतलब? कैरोल कहती है, देखो तुम शॉपिंग करने जा सकती हो, ये शॉपिंग कोई इमरजेंसी में नहीं आता, इस टाइम पे अर्थ की कुटाटी के साथ एक वॉर चल रही है, हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें बाहर माहौल शांत लगे लेकिन खतरा कहीं से भी सामने आ जाता है। लोरियल ने कहा, तब तो मुझे बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कैरोल कहती है कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने देती, आशा है कि जो अब मैं करने जा रही हूँ उससे तुम निर्दोष साबित हो जाओ और ऐसा होने के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, यहाँ अर्थ पे मेरी मदद भी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तुम्हें छिपे रहना है, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती। लोरियल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गई कि इमरजेंसी क्या होती है, लेकिन क्या तुम पक्का जाना चाहती हो? कैरोल ने कहा, मुझे जाना ही होगा, किनाल पे वो सारे नरसंहार के बाद एम्पायर काफी नाजुक हो चुका है, मुझे असली कातिल को ढूंढना होगा ताकि मैं वापस आकर ये वॉर लड़ सकूं। लोरियल पूछती है, क्या तुम इस हैमर को भी अपने साथ लेकर जाओगी? मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकती। कैरोल ने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा, तुम इसके ऊपर यकीन क्यों नहीं करती? इस हैमर ने मुझे तुम्हारी असलियत दिखाकर तुम्हारी जान बचाई। लोरियल ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ अजीब नहीं लग रहा? कैरोल कहती है, हाँ मुझे लगता है जब मैं इस हैमर को उठाती हूँ। क्या तुमने कभी इसे उठाया है, या फिर क्या तुम इसे उठाना चाहती हो? लेकिन लोरियल ने मना कर दिया, तो कैरोल हैमर को उठाकर चल पड़ती है। तब लोरियल ने मन में कहा कि मैं इसे गाता हुआ सुन सकती हूँ। हैजमेट कह रही है, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ या फिर हम सभी कूल लग रहे हैं? स्पाइडर वुमन ने कहा, हम सब काफी हॉट दिखाई दे रहे हैं। लोरियल कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कितने गर्म हो, लेकिन तुम उन महान हीरोज की तरह दिखाई दे रहे हो जो वॉर में जाने वाले हैं। हालांकि मैं कोई वॉर नहीं लड़ना चाहती,
लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, खासकर तब जब तुम मुझे निर्दोष साबित करने के लिए जा रहे हो। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि शायद मैं तुम लोगों को फिर कभी दोबारा ना देख पाऊँ, क्योंकि जब क्री लोगों को पता चलेगा कि तुमने उनके हैमर के साथ क्या किया है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें कुत्तों की तरह मार डालेंगे। ये बात सुनकर तीनों कैरोल से पूछते हैं, ये क्या बक रही है? कैरोल ने कहा, मैं स्पेसशिप के अंदर तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊंगी। हल्कलिंग कमांड शिप, हल्कलिंग कैरोल से कह रहे हैं, तो तुमने अभी तक पता नहीं लगाया कि किनाल शहर की तबाही के पीछे कौन है? तुमने अपनी हाफ सिस्टर को अर्थ पे छोड़ दिया फिर से बिना उसके ऊपर किसी की नजर रखे, और तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहती हो, वो अभी 5 मिनट? कैरोल कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बात सुने। हल्कलिंग पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम वो बात किसी और को नहीं बताना चाहती? कैरोल कहती है, अच्छी खबर ये है कि हमें एक सुराग मिला है, और एक और चीज है जो मुझे लगता है कि अच्छी खबर है लेकिन दूसरे लोगों को बुरी लग सकती है, इसलिए मैं वो बात इन सब लोगों के सामने नहीं करना चाहती। हल्कलिंग ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे 10 मिनट में मिलता हूँ। कैरोल ने कहा, हम मिलेंगे। हालांकि इससे पहले कि हल्कलिंग पूछ पाता कि तुम हम किसके लिए यूज कर रही हो, कैरोल ने बीच में कनेक्शन काट दिया। रोडी कहते हैं, मुझे लगता है कि वो बात कर रहा था तुमसे। कैरोल कहती है कि जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो फोन काट देना चाहिए। हेजमेंट कह रही है, ओ माय गॉड, हम मरने वाले हैं। और स्पाइडर वुमन की रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही है। 11 मिनट बाद हल्कलिंग इनसे मिलने आता है। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्री एम्पायर के सबसे ताकतवर हथियार के टुकड़े कर दिए। कैरोल ने कहा, इसलिए मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी। हल्कलिंग ने कहा कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? कैरोल कहती है, सब ठीक हो जाएगा, हमने बस एक छोटी सी स्पेल का यूज किया है, बिंग बैंग जूम, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इसे फिर से पहले जैसा कर देंगे। हल्कलिंग पूछते हैं, ओह रियली? कैरोल ने कहा, पता नहीं, शायद कर दें, मुझे मैजिक का अच्छे से यूज करना नहीं आता, लेकिन मैं डॉक्टर सेंज के ऊपर भरोसा करती हूँ। अब तक हल्कलिंग का दिमाग घूमने लगा, वो नीचे बैठ जाता है। तुम मुझे इतना तो बता ही सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? कैरोल कहती है, उन हजारों क्री और स्क्रल्स को न्याय दिलाने के अलावा मेरी बहन की लाइफ भी खतरे में है, और जिस हथियार का यूज करके मुझे न्याय दिलाना है ये भी अच्छे से पूरी बात नहीं बता पा रहा। मुझे लगा कि अगर मैं इसकी पावर्स उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनके ऊपर मैं यकीन करूँ, तो शायद मैं इस हैमर का अच्छे से यूज कर पाऊँ और चीजों को अच्छी तरीके से देख पाऊँ। हल्कलिंग ने कहा, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम इसे फिर से पहले जैसा कर दोगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सब कुछ तुम इतना जल्दी कर पाओ इससे पहले कि पूरा क्री एम्पायर इस हैमर को इस तरीके से देखे। अब प्लीज मुझे ये तो बता ही दो कि तुम्हें उस सुराग के बारे में कुछ अच्छी बात पता है। कैरोल कहती है, मैं इस टाइम पे वहीं जा रही हूँ, असल में मुझे तुमसे कुछ चेक करवाना है। क्री लोगों के पास एक कैदी है जिसे मैंने हाल ही में पकड़वाने में मदद की थी, वो एक टाइप की प्रिजन कम्युनिटी सर्विस कर रहा है और उसे 10 साल की जेल हुई है, उसका नाम वास्ट्रल है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस टाइम पे वो कहाँ पे कैद है? गाइस, हल्कलिंग ने पता लगाकर बताया कि वो तो दूसरे दिन ही भाग गया और तभी से क्री लोग उसे खोज रहे हैं। कैरोल कहती है, ऑफ कोर्स, वेल अच्छी खबर ये है कि मैंने उसे कल मार्डन प्लैनेट पे देखा था, जो कि कल किनाल शहर के मलबे को साफ करने का दिखावा कर रहा था। हल्कलिंग कहता है, तो जाओ उसे पकड़ो और इस पूरे मैटर को सोल्व करो ताकि हम इस लड़ाई को जीतने के ऊपर फोकस कर सके। प्लैनेट मार्डन, अपने हीरोज यहाँ पहुंच चुके हैं। कैरोल कह रही है, याद रखना जो मैंने कहा, वास्ट्रल बहुत चालाक है, वो बेवकूफ बनने का नाटक करता है, लेकिन उसे सही समझने की कोशिश मत करना। यह आदमी 2 दिन के अंदर ही क्री जेल से भाग गया, क्री इन चीजों को काफी सीरियसली लेते हैं। रोडी पूछता है, क्या उसके पास कोई पावर्स है? कैरोल ने कहा, उसके पास ब्रेन पावर है, वो एक बिल्डर है, जब मैं उसके साथ लड़ी थी तब उसने अपने दिमाग से कुछ हथियार बनाए थे जिसमें बहुत पावरफुल रोबोट्स भी शामिल थे, सब लोग एक साथ रहना और हम इस मैटर को आसानी से सुलझा लेंगे। लेकिन तभी एक रोबोट ने पीछे से कैप्टन मार्वल के ऊपर हमला कर दिया, कहा हार मान लो या मारे जाओ। कैरोल कहती है, वरना तुम हमें अलग करके हमारे ऊपर पीछे से हमला करोगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बाकी सब संभाल लेंगे। उधर रोडी के ऊपर भी एक दूसरा रोबोट हमला करता है। रोडी ने कहा, अब देखने का टाइम है कि इस हैमर के अंदर कितनी ताकत है। गाइस, रोडी ने हैमर से उस रोबोट के ऊपर अटैक किया। वेल, रोडी का अटैक काफी सक्सेसफुल था। स्पाइडर वुमन भी ऐसे ही एक क्रिएचर से लड़ रही है। हे डम डम, मेरे पास एक नया कूल हथियार है, क्या तुम देखना चाहोगे? स्पाइडर वुमन अटैक करती है, ये तो कुछ भी नहीं, ये लो असली सवार चको। स्पाइडर वुमन ने फिर हमला किया, उस रोबोट के पुर्जे पुर्जे उखड़ गए। हैजमेट एक चौथे रोबोट से लड़ रही है। वेल, मैं तुम लोगों को बता दूं कि रोबोट्स और मेरी अच्छी नहीं बनती, उसने रोबोट के हमले को ब्लॉक कर दिया, क्या कहते हो?
ये देखना चाहोगे जब मैं इस चमकने वाली छड़ी की पावर्स को अपनी पावर्स के साथ मिला दूंगी तो क्या होगा? गाइस, उसने एक सुपर पावर ईएमपी का यूज किया तो इस रोबोट के प्रकट छूट जाते हैं। कैप्टन मार्वल अब भी उसी रोबोट से लड़ रही है। वास्टल, बाहर आओ और एक मर्द की तरह मेरा सामना करो। मैं जानती हूँ इन सब के पीछे तुम ही हो। गाइस, वास्टल बाहर आते हैं। उसने कहा, वेल, आज तुम सीधा काम की बात कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ कैप्टन मार्वल? कैरल कहती है, तुमने एक शहर तबाह कर दिया, हजारों मासूम लोगों को मार दिया और इन सब का इल्जाम मेरी बहन के ऊपर लगाया। वास्टल कहते हैं, वेल, वो आखिरी वाली बात सही नहीं है, क्योंकि इस शहर की तबाही में वही इकलौती बच गई थी, बस उसकी टाइमिंग खराब थी। मेरी गलती तो नहीं है ना? कैरल कहती है, तो तुमने उसे मारने की कोशिश तो की ना? क्यों? वास्टल एक रोबोट के साथ बाहर आते हुए बोला, तुम्हें लगा कि मुझे एक ऐसे प्लैनेट पे भेजकर और उन लोगों के साथ छोड़कर जिनसे मैं नफरत करता था और जिनके खिलाफ बदला लेने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी, तुम्हें लगा कि मैं टिक कर बैठने वाला था, तुम्हें लगा कि मैं उनसे बदला नहीं लूंगा? तुमने और उन क्री ने मुझे वहां भेजा जहां मैं जाना चाहता था, क्री एम्पायर का दिल, जहां मैं इसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकूं और ये छोटी सी एलियन वॉर और उन सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मैंने सेंचुरी सिटी से चुराई थी, मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो गया। लेकिन आओ और मुझे अरेस्ट कर लो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो। कैरल कहती है, मैंने तुम्हारे सेंचुरी को 2 पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होने वाला? लेकिन तभी वो कैरल के ऊपर अटैक करते हैं। अब तक बाकी हीरोज भी यहाँ पहुंच चुके थे और उन सब ने मिलकर वेस्टल की मशीन को दबोच लिया। तभी कैप्टन मार्वल अपनी पावर से आजाद हुई और हैमर का यूज करते हुए बोली, हमें सच दिखाओ। गाइस, उन्होंने देखा कि वेस्टल ने एक बटन दबाकर उस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय किया था। ये सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने कहा, सब खत्म हो चुका है और लो, हम बोल भी देते हैं, वास्टल एस लोसन, तुम्हारे ऊपर आरोप साबित होता है, यू आर अक्यूज्ड। जिन क्रियोस कर्ल्स को तुमने मारा है उनके लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें एम्परर के पास लेकर जा रही हूँ और इस बार मुझे लगता है कि क्री तुम्हारे ऊपर इतनी दया नहीं दिखाएंगे। वास्टल ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ कर रख सकती। लेकिन कैरल कहती है, मुझे तो नहीं लगता। तो गाइस, उन हैमर्स का यूज करके अपने हीरोज ने वास्टल को बांध लिया और इसे लेकर अर्थ की तरफ निकल गए। कैप्टन मार्वल सोच रही है, अब मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हुआ, मेरी बहन निर्दोष साबित हो जाएगी और वास्टल को उसके किए की सजा मिलेगी, उसके बाद मैं वॉर लड़ने जा सकती हूँ। तो गाइस, उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।